शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद, एक लंबी छुट्टी के बाद, एक बार फिर से हम तैयार हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए। हाफ ईयरली एग्जाम्स मैंने आपके चेक किए, जिनमें कुछ बच्चे अच्छी स्टडी कर रहे थे लेकिन कुछ अभी भी जागे नहीं है। दुख होता है उन बच्चों के बारे में सोचकर जो अब तक जागे नहीं। हाफ ईयरली एग्जाम साफ साफ बताते हैं डेट कि आधा समय अब क्या हो चुका है, जा चुका है ना। और अब आगे का जो बचा हुआ समय है उसमें काम बहुत ज्यादा है और आपके पास समय कम है। जो बच्चे, जो विद्यार्थी अभी भी सुप्त अवस्था में है, सो रहे हैं, अपने कैरियर को लेकर, अपने रिजल्ट्स को लेकर, अपने बोर्ड्स को लेकर सचेत नहीं है, अवेयर नहीं है, तो उन्हें एक बार फिर से मैं हिदायत दूंगा कि वो जाग जाए और अपने कैरियर को लेकर सचेत हो जाए, अपने बोर्ड्स को लेकर सचेत हो जाए। वरना एक समय फिर आएगा जब वही कहावत हमें कहनी पड़ेगी कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया टूट गई खेत, है ना। बहुत फेमस कहावत है, तो वो समय आए उससे पहले आप जाग जाइए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। चैप्टर नंबर 7 हाफ ईयरली एग्जाम की तरह आपके 12 चैप्टर्स में से ये चैप्टर जो है 7th चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि यहां भी हम कह सकते हैं कि बुक का हाफ ओवर हो चुका है, ठीक है। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टिंग की इंट्रोडक्शन के साथ हम शुरू करते हैं। व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग क्या होती है? डायरेक्टिंग मीन्स टू डायरेक्ट, किसी को निर्देश देना, किसी को दिशा दिखाना, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे करनाल जाना है तो आप उसको रास्ता बता देते हो, आप उसको डायरेक्ट कर देते हो, आप उसको निर्देश दे देते हो कि आप इस रास्ते से जाओगे तो आप करनाल पहुंच जाओगे, ठीक है। तो डायरेक्टिंग भी कुछ उसी तरह की है कि संस्था के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको डायरेक्शन देना, उनको निर्देश देना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको गाइड करना, उन्हें सुपरवाइज करना, उन्हें मोटिवेट करना, उनको लीडर लीडरशिप करना। क्यों? ताकि वो अपने गोल पर पहुंच जाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर जाए, ठीक है। जैसे समय समय पर हम आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन याद करने के लिए कहते हैं, समय समय पर हम आपको केस स्टडी के बारे में कहते हैं, समय समय पर हम आपको टेस्ट देने के बारे में कहते हैं, समय समय पर हम आपको पेपर देने के बारे में कहते हैं, समय समय पर हम आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आप बढ़े। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका जो गोल है, आपके जो बोर्ड्स है उसमें आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करो। दैट्स व्हाई वी आर ऑल्सो डायरेक्टिंग यू, ठीक है। तो डायरेक्टिंग सिंपल, ऑर्गेनाइजेशन करना, क्योंकि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़ रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहां डायरेक्टिंग का मतलब कहना होगा इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी इंस्ट्रक्ट, व्हेन वी गाइड, व्हेन वी मोटिवेट, व्हेन वी सुपरवाइज, व्हेन वी लीड आवर सबॉर्डिनेट्स, आवर एम्प्लॉइज टू कंप्लीट अ सेट ऑफ टारगेट्स, इट विल बी कॉल्ड डायरेक्टिंग। इसे क्या कहेंगे? डायरेक्टिंग कहेंगे, ठीक है बात। तो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, डेफिनेशन मीनिंग आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किसी को दिशा निर्देश दिखाना, किसी को मोटिवेशन देना अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, वही क्या है डायरेक्टिंग है, वही क्या है निर्देशन है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं डायरेक्टिंग की डेफिनेशन को लेके। डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग
गाइडिंग इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, काउंसलिंग, लीडिंग, काउंसलिंग पीपल्स, द पीपल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर टारगेट्स, अचीव देयर टारगेट्स, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए संस्था के अंदर काम कर रहे लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना, काउंसल करना ही क्या है, आपकी गाइडेंस है, आपकी डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, डायरेक्टिंग का मीनिंग मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो देखिए यहां पर कुछ चीजें बहुत ही डीप है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ठीक है, और कम्युनिकेशन, चार चीजें हैं, ये मेजर टॉपिक्स हैं, ये क्या है कंपोनेंट्स, ये क्या है कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। तो इन्हें हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है, चार टॉपिक्स को फ्यूचर में, यही आपका पूरा चैप्टर कवर करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग की फीचर्स करनी है हमने, डायरेक्टिंग में कौन कौन से गुण विद्यमान है, डायरेक्टर के डायरेक्टिंग में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो हमने डिस्कस करना है कि डायरेक्टिंग करते समय हमें कैसा, ठीक है, हम डायरेक्टिंग जब हो रही है तो हम क्या फील करते हैं, वही फीचर है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्टिंग से ही एक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो आप सुबह आते हो, जाकर क्लासरूम में बैठ जाते हो और तब तक आप कुछ नहीं करते, ठीक है, जब तक बेल नहीं बज जाती, बेल बजती है आपको इंस्ट्रक्शन देती है दैट इट्स अ टाइम टू असेंबली। बहुत दिन हो गए असेंबली मिस कर रहे हो गए आप लोग, लेकिन वो बेल जिसके बजते ही आप असेंबली ग्राउंड में पहुंच जाते थे, वही आपको एक्टिव करती थी, वही आपको एक्शन में लाती थी, वही आपको कहती थी कि चलो असेंबली ग्राउंड, जब तक बेल नहीं बजेगी आप नहीं जाने वाले, दैट इज योर डायरेक्टिंग, दैट इज योर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो बेल आपके लिए क्या थी, इंस्ट्रक्शंस थी। तो डायरेक्टिंग इज कंसीडरिंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एक मैनेजर को इस फंक्शन को करते समय क्या करना होता है, अपनी ड्यूटीज में यह लाना होता है कि वो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे कि लोग अपने कार्य के प्रति तुरंत जागरूक हो, ठीक है। तो डायरेक्टिंग से ही क्या होता है, एक्शन इनिशिएट होता है, कार्य शुरू किया जाता है। तो डायरेक्टिंग में ही वो सारी फीचर है जिससे मैन पावर क्या करती है, काम में लग जाती है, ठीक है। बात दूसरा जो पॉइंट हम में करेंगे, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड पॉइंट है, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जी हां, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम किया जाता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें सीईओ वगैरह बड़ी पोस्ट के लोग होते हैं, बेंच मैनेजर्स वगैरह, जनरल मैनेजर, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते
सकते हैं उन्हें भी डायरेक्टिंग करने की जरूरत है। डिपार्टमेंटल मैनेजर जो मिडिल लेवल पे बैठे हैं उन्हें भी डायरेक्टिंग करने की जरूरत है। सुपरवाइजर और फोरमैन जो ऑपरेशनल लेवल पर है, सुपरवाइजरी लेवल पर है, उन्हें भी डायरेक्टिंग करने की जरूरत है। क्यों? मैंने क्या कहा, डायरेक्टिंग क्या है? लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, है ना। तो ये मैनेजमेंट पोस्ट है, ये तीनों के तीनों मैनेजरियल पोस्ट है। इनके नीचे इंप्लॉइज, इनके नीचे पीपल्स है, और जो पीपल्स है तो उन्हें क्या करना होगा? डायरेक्ट करना होगा, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना होगा, उन्हें बताना होगा कि आपको क्या काम करना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आप एक बार कर दो और फिर बैठ जाओ, है ना। डायरेक्टिंग क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डायरेक्टिंग एक टाइम काम करके काम खत्म करने वाली नहीं है। एक मैनेजर रेस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा देखता रहता है कि फर्म में क्या काम हो रहा है, ठीक है। इम्प्लॉइज जो है वो अपना काम ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, अगर कमी होती है तो वो मोटिवेट करता रहता है, ठीक है। तो जब जब ऐसा कर रहा है तो वो डायरेक्टिंग कर रहा है, और ये काम सदाबहार, ये हर रोज करना है ना। तो इसके लिए आजकल तो देखो कैमरा भी आ गए, कैमरा जो है वो सुपरवाइजर का काम करता है। तो डायरेक्टिंग जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया, एक टाइम आप इसको करके खत्म नहीं करने वाले, क्योंकि आपको लगातार नजर बनाए रखनी होती है इम्प्लॉइज के काम पर कि वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ है, डायरेक्टिंग फ्लोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्टिंग फ्लोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम, टॉप से चलती है बॉटम तक आती है, कहने का मतलब इंस्ट्रक्शंस ऊपर से शुरू होती है और वो इस तरह से नीचे लेवल तक चली जाती है। एक प्लान बनाया, उस प्लान को समझाया अपने से नीचे वाले मैनेजर्स को, उन्होंने सुपरवाइजर्स को समझाया, सुपरवाइजर्स ने वर्कर को समझाया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दी कि आने वाले इस वीक में नो एम्प्लॉय कैन टेक अ लीव अनलेस इट इज मोस्ट कंपल्सरी। ये इंस्ट्रक्शन मिला कि कंपनी हैज गॉट अ ह्यूज ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर मिला, और जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो लगातार चलने वाली है, इसलिए एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन दी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया लीन ने कि हम इस वीक किसी भी एम्प्लॉइज को छुट्टी नहीं देंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे आती रहेगी और एट लास्ट इम्प्लॉइज को बता दिया जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, डायरेक्टिंग ऊपर से शुरू होती है, टॉप से शुरू होती है और बॉटम तक आती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। टॉप लेवल से स्टार्ट होके कहां आती है, बॉटम तक, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, ठीक है बात। क्योंकि बॉस इंस्ट्रक्शंस देता है अपने सुबोर्डिनेट को, और बॉस से सुबोर्डिनेट, फिर उसके सुबोर्डिनेट, फिर उसके सुबोर्डिनेट। तो ये आपका था आज का टॉपिक, डायरेक्टिंग मीनिंग डेफिनेशन फीचर्स, ठीक है। ये स्टार्टिंग की वीडियो थी, अब शुरू हो जाओ, ठीक है। अर्जुन हो तुम उठा लो बाण, अर्जुन हो तुम उठा लो बाण, भेद लो अपने लक्ष्य को, भेद लो अपने लक्ष्य को, तभी तो हो तुम जो, ठीक है। तो आप काम कीजिए, यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।